उन दोनों ने जल्दी से नीचे गोता लगाया और उसी लम्हे पानी की ज़बरदस्त हलचल ने उन्हें पानी के अंदर ही हकीर तिनकों की तरह इधर उधर भटकना शुरू कर दिया। यह हलचल उनके ऊपर से तेज़ रफ्तार लॉन्च के गुजरने की वजह से थी। वो अपने आप को तेज़ी से संभालकर एक बार फिर सतह पर उभरे ही थे कि उन्हें दूर समंदर में बहुत सी मोटर बोटें आती दिखाई दी। उसके साथ ही कोस्ट गार्ड के मखसूस सायरनों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। इन सायरनों से मालूम होता था कि आने वाली मोटर बोटें कोस्ट गार्ड्स की है। वो यकीनन इन खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनकर इधर मुतवज्जा हुए होंगे। उसी लम्हे दूसरी लॉन्च भी तेज़ी से वापस आती दिखाई दी और इमरान और जवाना दोनों को एक बार फिर तेज़ी से गोता लगाना पड़ा। लॉन्च उनके ऊपर से गुजरकर तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। चंद लम्हों बाद उन दोनों ने जब सर बाहर निकाले तो वो ये देखकर चौंक पड़े कि काफ़ी दूर समंदर पर तख्ते से बहते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी तादाद काफ़ी थी और साथ ही समंदर में ऐसी हलचल भी थी जैसे कुछ अफराद डूब उभर रहे हों। ओ, कहीं इन्होंने हमारी दोनों लॉन्चें तबाह तो नहीं कर दी, इमरान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा और तेज़ी से वापस उसी तरफ को तैरने लगा जिधर ये सब कुछ नज़र आ रहा था। कोस्ट गार्ड्स के तेज सायरनों की वजह से वो पूरा इलाका गूंज उठा था और अभी इमरान और जवाना ज़रा ही आगे बढ़े होंगे कि कोस्ट गार्ड्स की 10 के करीब बड़ी बड़ी मोटर बोट्स उनके सरों पर पहुँच गई। खबरदार, वरना हलाक कर दिए जाओगे, मेगाफोन पर चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने दोनों हाथ पानी से निकाल कर बुलंद कर दिए। अब इसके सिवा और कोई सूरत ही बाकी ना रही थी कि वो कोस्ट गार्ड्स की पनाह हासिल करके इस समंदर से बाहर निकल सके, वरना तैरते हुए तो वो ज़िंदगी भर भी साहिल तक ना पहुंच सकते थे क्योंकि वो जजीरा जोटान से बहुत ज़्यादा फासले पर गहरे समंदर के अंदर थे। चंद लम्हों बाद इमरान और जवाना को मोटर बोट पर खींच लिया गया और फिर इमरान ने देखा कि जिस जगह से आदमी उभरते डूबते दिखाई दिए थे वहाँ से भी समंदर में से अफराद को निकाल निकाल कर मोटर बोटों पर डाला जा रहा था और इमरान ने बेख्तियार होंठ भींच लिए क्योंकि वो अपने साथियों को पहचान चुका था। उनकी मोटर बोट भी उन्हें उठाकर तेज़ी से उसी तरफ को बढ़ गई। वो दोनों मुसल्ला कोस्ट गार्ड्स के हुक्म पर अपने दोनों हाथ सरों पर रखे बोट में बैठे हुए थे। वहाँ पहुँचकर इमरान को मालूम हो गया कि उसके तीन साथी शदीद जख्मी थे जबकि दो को मामूली जख्म आए थे, बाकी ठीक थे। शदीद जख्मियों में तनवीर सिद्दीकी और सफदर शामिल थे जबकि नोमानी और जूलिया को मामूली से जख्म आए थे। और फिर उसने चौगान की लाश समंदर से निकलती देखी तो उसके होंठ और ज़्यादा भींच गए। उसकी आधी खोपड़ी और जिस्म का आधा हिस्सा ही गायब था। कौन हो तुम लोग, स्मगलर हो? एक ऑफिसर ने उनकी बोट में आते हुए इंतहा करख्त लहजे में कहा। ऑफिसर, हमारा ताल्लुक इंटरनेशनल एंटी नारकोटिक से है। स्मगलर तो वो थे जो फरार हो गए। हमारे साथी शदीद जख्मी हैं, प्लीज़ इन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद भी मुहैया करो और हमें साहिल पर ले चलो, हम वहाँ जाकर तुम्हारी पूरी तसल्ली कर देंगे, इमरान ने बड़े पावकार लहजे में कहा। और ऑफिसर चंद लम्हे गौर से इमरान को देखता रहा, फिर उसने चीख चीख कर बोट्स की वापसी के अहकाम देने शुरू कर दिए। इमरान ने पहले ही तसल्ली कर ली थी कि उसका कोई साथी समंदर में ना रह गया था, सब किसी न किसी हालत में बोट्स में पहुँच चुके थे, इसलिए उसने वापसी की बात की थी। तुम किन स्मगलरों की बात कर रहे हो? ऑफिसर ने अहकाम देने के बाद मुड़कर इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम्हें यहाँ से बड़ी बड़ी दो लॉन्चें फरार होती नज़र नहीं आई ऑफिसर? इमरान ने करख्त लहजे में कहा। लॉन्चे? नहीं, हमने तो कोई लॉन्च नहीं देखी। हमारे आलात ने यहाँ इस वीरान जजीरे के करीब धमाकों की आवाज़ें मार की तो हम इस तरफ आ गए, ऑफिसर ने जवाब दिया। और इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो जानबूझ कर ली ग्रुप की लॉन्चों की बात गोल कर गया है। ठीक है, फिर कोहे काब के देव ने आसमान से हमारी लॉन्चों पर पत्थर बरसाए होंगे और ये इन्हीं पत्थरों के गिरने की आवाज़ें थी जो तुम्हारे आलात ने सुन ली। वैसे तुम्हारे आलात ने इन दियों को भी तो देखा होगा, हो सकता है उनके फ़ोटो भी खींच लिए हो। चलो अच्छा है, अब बच्चों की कहानियों के टाइटल बनाने वाले आर्टिस्टों को भी पता चल जाएगा कि असल देव कैसे होते हैं। वो खामखा टेढ़े मेढ़े देव बनाकर असल देव की भी मट्टी पलीत करते रहते हैं। इमरान की ज़ुबान जो न जाने कब से खुजला रही थी कैंची की तरह रवा हो गई। तो तुम अब अपने आप को पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें यह तो मालूम ही होगा कि बाचान में मंशियात के स्मगलरों और पागलों दोनों की सज़ा मौत है, ऑफिसर ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। दूसरे मुल्कों में तो कोस्ट गार्ड्स के निसाब में कानून का मजमून भी शामिल होता है, लेकिन शायद बाचान में ऐसा नहीं है, इसलिए तुम्हें यह इल्म ही नहीं कि सज़ाए मौत सिर्फ कोशिश पर नहीं दी जा सकती। अलबत्ता अगर तुम्हारी तरह अकलमंद बनने की कोशिश की जाए तब दूसरी बात है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। इन्हें हथकड़ियाँ लगा लो, मैं देखता हूँ कि ये कैसे बचकर निकल सकते हैं, ऑफिसर ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा और तेज़ी से बोट के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ गया क्योंकि बोट्स अब समंदर के अंदर खड़े हुए एक बड़े से जहाज़ के करीब पहुंचने वाली थी। जहाज़ पर मौजूद मखसूस निशानात देखते ही इमरान समझ गया कि इसमें इमरजेंसी अस्पताल भी मौजूद थे और उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभर आई क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने शदीद जख्मी साथियों की तरफ से ही थी।
अपने शानदार अंदाज में सजे हुए दफ्तर की ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी पर बैठा यांग रिसीवर कान से लगाए बातों में मसरूफ था कि यकलक मेज पर रखे हुए मुख्तलिफ रंगों के टेलीफोनों में से सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी करकत आवाज़ में बज उठी और बातें करता हुआ यांग यह आवाज़ सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ा। फिर बात करूँगा, उसने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। सुर्ख रंग का फ़ोन इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए वो इसकी घंटी की आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा था। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, यांग स्पीकिंग, यांग ने करकत आवाज़ में कहा। मैं आटोश बोल रहा हूँ, कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर से जनाब। दूसरी तरफ से एक दबी दबी सी आवाज़ सुनाई दी। अंदाज ऐसा था कि जैसे बोलने वाला जानबूझकर दबाकर बात कर रहा हो। आटोश कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर में एक खासा बड़ा ऑफिसर था और यांग का मुखबिर था, इसलिए आटोश की आवाज़ सुनकर यांग और ज़्यादा चौंक पड़ा। इसका मतलब था कि कोई ख़ास वाकया हो गया है। यस, क्या रिपोर्ट है आटोश, कोई ख़ास बात, यांग ने कदरे नरम लहजे में कहा। जनाब, एक अहम इत्तला देनी थी। अभी इमरजेंसी बग लॉन्च से हेडक्वार्टर को इत्तला दी गई है कि जोटान जजीरे के करीब खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जिस पर कोस्ट गार्ड ने रेड किया तो वहाँ टूटी हुई लॉन्चों का मलबा समंदर में बह रहा था और समंदर में अफराद डूब उभर रहे थे। इन्हें बाहर निकाला गया तो इनमें से 3 शदीद जख्मी, 2 मामूली जख्मी और 1 लाश थी और बाकी ठीक हालत में थे। इनमें एक स्विस कौमियत की औरत, एक अक्रीमी और बाकी अफराद पाकिस्तानी लगते हैं। लाश की कौमियत बाचानी है, वो इमरजेंसी बग लॉन्च में मौजूद है और वहाँ ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है। इनमें से एक आदमी ने बताया है कि उनका ताल्लुक इंटरनेशनल नारकोटिक एजेंसी से है। इस इत्तला पर हेडक्वार्टर से उन्हें हिदायत की गई है कि ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देकर बाकी अफराद समेत हेडक्वार्टर पूछगिछ के लिए भिजवा दिया जाए। आटोश ने उसी तरह दबे दबे लहजे में कहा। ओह, ये तो वाकई अहम इत्तला है, इन लोगों को हेडक्वार्टर में कहाँ रखा जाएगा, यांग ने होठ चबाते हुए पूछा। तहकीकती सेल में जनाब, आटोश ने जवाब दिया। ठीक है, मैं देखता हूँ, यांग ने तेज़ लहजे में कहा और फिर एक झटके से उसने रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार नुमाया हो गए थे क्योंकि जोटान जजीरे पर उसकी तंजीम का मेन अड्डा था, इसलिए उसके करीब ऐसे अफराद का इस हालत में पाए जाने का मतलब था कि इनकी लॉन्चों को जजीरे पर से तबाह किया गया होगा। लेकिन ऐसी सूरत में उसे फ़ौरन इस वाकये की इत्तला मिल जानी थी, जबकि वहाँ से ऐसी कोई इत्तला ना थी। उसने एक और रंग के फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने पूछा। जोटान जजीरे के इंचार्ज बारान से बात कराओ फौरन, यांग ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में जवाब दिया गया और यांग ने रिसीवर वापस क्रेडल पर पटक दिया। वो मुसलसल अपने होठ काट रहा था, उसकी छठी हिस बता रही थी कि वहाँ कोई गैर मामूली वाकया पेश आ गया है। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी दोबारा बज उठी और यांग ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, यांग ने चीखते हुए अंदाज में कहा। मादाम कोमो से बात कीजिए, वो जोटान जजीरे पर हैं, दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा। और ऑपरेटर की बात सुनकर यांग वाकई इस तरह उछल पड़ा जैसे कि कुर्सी के नीचे ताकतवर बम फट पड़ा हो। ओह, तो कोमो जोटान पर है, यांग ने बुरी तरह बौखलाए हुए अंदाज में कहा। उसी लम्हे कोमो की आवाज़ रिसीवर पर सुनाई दी। हेलो यांग, मैं कोमो बोल रही हूँ, कोमो के लहजे में हल्की सी परेशानी का उनसर नुमाया था। अंदाज ऐसा था जैसे वो अपनी परेशानी छुपाने की शौरी कोशिश कर रही हो। कोमो, तुम कब से जोटान में हो, यांग ने तेज़ लहजे में पूछा। मैं कल शाम से यहाँ हूँ, मैं अपने मिशन के सिलसिले में मसरूफ़ थी, कोमो ने जवाब दिया। अपने मिशन के सिलसिले में, क्या मतलब, तुम्हारा मिशन तो पाकिस्तान में था, यहाँ जोटान पर कैसे तुम्हारा मिशन पहुँच गया, यांग ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो अली इमरान यहाँ दारुल हुकूमत में देखा गया था, चुनांचे मैंने रवानगी मुलतवी कर दी थी, कोमो ने जवाब दिया। मेरा अंदाज़ा है कि तुम कुछ छुपा रही हो डियर, खुलकर बात करो, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है और ना ही इस मिशन के सिलसिले में तुम्हारा मैं बॉस हूँ, हम दोस्त हैं, हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने तजुर्बे की बिना पर कोई मुफीद मशवरा दे सकूं। वैसे एक बात बता दूं, अभी मुझे एक ऐसी इत्तला मिली है जिससे परेशान होकर मैंने बारान को कॉल किया था, लेकिन अब तुम्हारी वहाँ मौजूदगी और अली इमरान की मौजूदगी की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि इत्तला में जिन अफराद के मुतालिक बताया गया है उनका ताल्लुक यकीनन तुम्हारे मिशन से ही हो सकता है, लेकिन अगर तुम मुझे पूरी तफसील बता दो तो हो सकता है मैं तुम्हारे मिशन में मुआनत कर सकूँ, याग ने बड़े मीठे लहजे में कहा। क्या इत्तला मिली है तुम्हें, दूसरी तरफ से कोमो ने चौंक कर पूछा और यांग ने आटोश से मिलने वाली इत्तला दोहरा दी। इत्तला दुरुस्त है और अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, अब मैं अपना पाकी मानदा मिशन जल्द पूरा कर लूँगी, कोमो के लहजे में मसरत थी। मैंने कहा तो है खुलकर बात करो, तुम फिर मुबहम बातें कर रही हो, यांग के लहजे में बावजूद ना चाहने के हल्की सी तलखी उठ कर आई थी। और इस बार जवाब में कोमो ने अली इमरान के जजीरे में आने से लेकर उसके फरार होने तक की सारी रूदात तफसील से बता दी। मतलब ये कि बारान मारा गया
और साथी भी मारे गए। कई कीमती लॉन्चें भी तबाह हो गई। इमरान और उसके साथियों ने जजीरे के अंदर की पोजीशन भी देख ली और फिर फरार हो गए। तुम्हें ज़रूरत क्या थी उसे जजीरे पर लाने की? वहीं होटल में ही उसे आसानी से गोलियों से छलनी किया जा सकता था, और अगर जजीरे पर उसे लाया ही गया था तो क्या ज़रूरत थी रात को उसकी मेहमान नवाजी करने की और सुबह उससे गुफ्तगू करने की? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो इंतहाई ख़तरनाक तरीन शख्सियत है? यांग अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर सका था। सुनो यांग, ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? मैं कोमो ग्रुप की बॉस हूँ, जो मुनासिब समझूंगी करूँगी। मुझे अगर मालूम होता कि तुमने इंतहाई निकम्मे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर रखा है तो मैं तुम्हारे ग्रुप के आदमियों पर हरगिज़ एतमाद ना करती। वो जजीरे से फरार हो गए, तुम्हारे आदमी कुछ ना कर सके। तुम्हारे आदमी ने उस पर मिज़ाइल फायर किए लेकिन वो उनका कुछ ना बिगाड़ सके। ब्लू फायर लॉन्चे मुकाबले पर ले आए लेकिन उसके बावजूद नाकाम रहे। क्या यही तुम्हारे ग्रुप की कारकर्दगी है? क्या इन्हीं लोगों के सर पर तुम अपने आप को तुर्रम खान समझते रहते हो? मैं इमरान से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरान के बारे में मालूमात उगलवाना चाहती थी और मैं अपने मकसद में 100% कामयाब रहती, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसका आदमी इतनी आसानी से न सिर्फ जजीरे पर पहुंच जाएगा बल्कि तुम्हारे ख़ास आदमी गैरेट का मेकअप करके इत्मीनान से मेरे साथ फिरता रहेगा और तुम्हारे आदमियों को पता भी ना चल सकेगा। तुम्हारा वो बारान तो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक आदमी था जो गैरेट को साथ लगाए फिर रहा था, लेकिन उसे एक लम्हे के लिए भी एहसास ना हो सका था कि गैरेट के रूप में इमरान का आदमी है। अगर मैं अपनी सलाहियतों से काम लेकर उनके चुंगल से ना निकलती तो तुम्हारे आदमियों की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी ने तो मुझे मरवा ही दिया था, कोमो ने इंतहाई गुस्सेले अंदाज में चीखते हुए कहा। ओ डियर, मुझे तुम पर नहीं अपने आदमियों पर गुस्सा आ रहा था। वाकई ये इंतहाई नाअहल साबित हुए हैं, मैं इन सबको सजा दूंगा, यांग ने यखलक नरम पड़ते हुए कहा। अब कोई ज़रूरत नहीं है सजा देने की, जो होना था हो गया। और सुनो, आइंदा मेरे सामने इस तरह गुस्सा दिखाने और चीखने चिल्लाने की कोशिश ना करना, समझे? मैं अपना बुरा भला खुद समझ सकती हूँ। और ये भी सुन लो कि तुमने किसी तरह भी मेरे मिशन में मुदाखलत नहीं करनी। कोमो वाकई बुरी तरह बफर गई थी। अरे अरे, इतना गुस्सा? अरे डियर, मुझे तो गुस्सा सिर्फ तुम्हारी सलामती की फ़िक्र की वजह से आया था। मैं तुम पर तो अपनी सारी तंजीम भी कुर्बान कर सकता हूँ, असल बॉस तो तुम हो। कोमो प्लीज़ अब हंस दो। यांग बुरी तरह भेड़ बन गया था और इस बार कोमो के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और यांग का चेहरा मसरत से खिल उठा। ओह शुक्र है, तुम हंसी तो सही। बहरहाल, ये इमरान और उसके साथी इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर के तहकीकाती सेल में मौजूद है। वहाँ मेरे अपने आदमी मौजूद है। अगर तुम कहो तो मैं अपने आदमियों से उनका अभी कीमा बनवा सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक फ़ोन करना पड़ेगा और बस, यांग ने हंसते हुए कहा। मुझे मालूम है तुम्हारी और तुम्हारे आदमियों की कारकर्दगी, दोबारा गुस्सा मत दिलाओ। मैंने पहले ही कहा है कि अब मेरे मिशन में मुदाखलत ना करना, तुम फिर मुदाखलत कर रहे हो। गुड बाय, कोमो ने एक बार फिर गुस्सेले लहजे में कहा और उसके साथ ही रابطہ ख़त्म हो गया। यांग ने तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। काश कोमो तुम इतनी खूबसूरत ना होती। बहरहाल ठीक है, यांग ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर हाथ बढ़ाकर एक और रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने लगा। यस, नेवल हेडक्वार्टर। चंद लम्हों बाद ही एक आवाज़ सुनाई दी। ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी मिस्टर आर्टोश से बात कराए, मैं किंग फो बोल रहा हूँ। यांग ने कहा। किंग फो उसका कोड नाम था जिसका इल्म सिर्फ उसकी तंजीम के आदमियों को था। होल्ड डाउन करे, दूसरी तरफ से कहा गया और यांग ने होड़ भेज लिए। यस, आटोश अटेंडिंग। चंद लम्हों बाद रिसीवर पर आटोश की आवाज़ सुनाई दी। किंग फो फ्रॉम दिस एंड, यांग ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, आटोश ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। क्या रिपोर्ट है इन एजेंसी वालों के मुतालिक? यांग ने पूछा। बॉस, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, मैं खुद आपको कॉल करना चाहता था। वो एजेंसी वाले जैसे ही नेवल हेडक्वार्टर पहुँचे, कुछ लम्हे बाद एडमिरल साहब खुद वहाँ पहुँच गए और उसके बाद उन ज़ख्मियों को नेवी के एक खसूसी तैयारी के ज़रिए कहीं भिजवा दिया गया है, जबकि वो अफराद जो ज़ख्मी ना थे वो एडमिरल साहब के साथ ही उनकी कोठी पर चले गए हैं, आटोश ने जवाब दिया। और यांग ये अजीब व गरीब इत्तला सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। ओ, ये नेवी का इंचार्ज एडमिरल इस्कामर ही है ना अभी तक? यांग ने कहा। यस बॉस, वही है, आटोश ने जवाब दिया। और यांग ने ओके कहकर हाथ बढ़ाया और क्रीडल दबाकर एक बार फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, एडमिरल इस्कामर रेसिडेंस। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक आवाज़ गूंजी। हाउसकीपर दफ्तर से बात कराओ, मैं इसका एक दोस्त बोल रहा हूँ, यांग ने तेज़ लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद एक और आवाज़ उभरी। हेलो, दफ्तर स्पीकिंग, कौन साहब बात कर रहे हैं? बोलने वाले ने कहा। किंग फो बोल रहा हूँ, क्या तुमसे फौरी मुलाकात हो सकती है? एक ज़रूरी काम है, यांग ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा। नहीं, अभी मैं बेहद मसरूफ़ हूँ, सॉरी किंग फो,
फिर मुलाकात होगी। दूसरी तरफ से गफ्तर ने इंतहाई रूखे से लहजे में जवाब दिया और उसके साथ ही रابطہ ख़त्म हो गया। यांग ने रिसीवर रख दिया, उसे मालूम था कि अब गफ्तर डायरेक्ट फ़ोन पर बात करेगा। फौरी मुलाकात से मतलब भी यही था, ताकि पीए इनकी बात ना सुन सके। और वाकई चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और यांग ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, किंग फो स्पीकिंग, यांग ने सख्त लहजे में कहा। बॉस, मैं गफ्तर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से गफ्तर की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार उसका लहजा इंतहाई मुअद्दबाना था। गफ्तर, तुम्हारा चीफ स्कामर कहाँ है? यांग ने क्रक लहजे में पूछा। एडमिरल साहब वो कोठी में मौजूद है जनाब, गफ्तर के लहजे में हैरत का उनसर नुमाया था। वो नेवल हेडक्वार्टर से चंद अफराद को लेकर रिहायशगाह पर आया है। क्या वो अफराद अब भी यहाँ मौजूद है? यांग ने पूछा। अफराद? ओह बॉस, मैं समझ गया। अभी आपके फ़ोन आने से चंद लम्हे पहले चीफ ने मुझे बताया है कि मेहमान एक चार्टर्ड तैयार से वापस चले गए हैं। इससे पहले उनका फ़ोन आया था कि मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए। चुनांचे मैंने बावर्ची को कह दिया, लेकिन फिर चीफ अकेले ही वापस आए। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मेहमान किसी ज़रूरी काम की वजह से फौरी तौर पर एक चार्टर तैयारी के ज़रिए मुल्क से बाहर चले गए हैं, गफ्तर ने जवाब दिया। क्या तुम ये मालूम कर सकते हो कि किस कंपनी का तैयारा उन्होंने चार्टर कराया है? याग ने पूछा। मेरा ख्याल है उनका ड्राइवर बता सकता है, ज़ाहिर है उसके सामने ही बात हुई होंगी, गफ्तर ने जवाब दिया। ओके, मैं होल्ड कर रहा हूँ, पूछ कर बताओ, यांग ने क्रक लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रिसीवर अलहदा रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी और लाइन पर खामोशी तारी हो गई। यांग का चेहरा सूता हुआ था और पेशानी पर शिकने पड़ी हुई थी। हेलो बॉस, थोड़ी देर बाद गफ्तर की आवाज़ दोबारा रिसीवर पर सुनाई दी। यस, यांग ने कहा। बॉस, मैंने मालूम कर लिया है, ड्राइवर ने बताया है कि चीफ ने उन्हें होटल स्काई व्यू के सामने छोड़ दिया था। उन्होंने चीफ से कहा भी था कि वो तैयारा चार्टर कराकर फौरन ही वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद चीफ वापस आ गए, गफ्तर ने जवाब दिया। ओके, यांग ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रीडल दबा दिया। लाइन कटते ही उसकी उंगलियां एक बार फिर नंबर प्रेस करने में मसरूफ हो गई। उसकी आदत थी कि वो जिस काम के पीछे लग जाता था उसे आखिर तक पहुँचाकर ही सांस लेता था। चूँकि ली ग्रुप के मुखबिर पूरे बाचान में जगह जगह फैले हुए थे, इसलिए उसे फ़ोन पर ही हर किस्म की मालूमात आसानी से मिल जाया करती थी। यस, होटल स्काई व्यू, रब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई थी। सिक्योरिटी ऑफिसर पामर से बात कराओ, मैं उसका दोस्त किंग फो बोल रहा हूँ, यांग ने तेज़ लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और यांग एक बार फिर होंठ काटने में मसरूफ़ हो गया। हेलो, सिक्योरिटी ऑफिसर पामर बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई थी। पामर, तुम्हारे होटल में कोई स्विस औरत जिसके साथ पाकिस्तानी नौजवान हो रिहाइश पजीर है? यांग ने पूछा। हाँ हाँ, एक ग्रुप यहाँ रह रहा था, लेकिन वो अभी थोड़ी देर पहले होटल छोड़कर चले गए हैं। मैं इस वक्त काउंटर पर मौजूद था। स्विस औरत का नाम जुलियाना फिटरवाटर है, उसी के नाम पर कमरे बुक कराए गए थे, लेकिन जब कमरे बुक हुए तो उस ग्रुप की तादाद ज़्यादा थी। मुझे याद है वो स्विस औरत और उसके साथ सात अफराद थे और ये सातों के सातों पाकिस्तानी थे, लेकिन अब जबकि उन्होंने कमरे छोड़ दिए हैं तो इस औरत के साथ तीन अफराद थे। वो औरत और उसका एक साथी शायद कहीं ज़ख्मी भी हो गए थे, क्योंकि इस औरत के सर पर उसके साथी के बाजू पर बैंडेज मौजूद थी, पामार ने पूरी तफसील से बताते हुए कहा। क्या मालूम कर सकते हो कि वो कहाँ गए हैं? यांग ने पूछा। ओ नहीं बॉस, अगर मुझे पहले इनके मुतालिक इल्म होता तो मैं ख्याल करता। और वो होटल की कार में भी नहीं गए, शायद किसी टैक्सी वगैरह में गए हों, इसलिए अब तो उनके मुतालिक कुछ मालूम नहीं हो सकता, पामर ने मौजरत खाना लहजे में जवाब दिया। ओके, यांग ने कहा और एक बार फिर क्रीडल दबाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, टैक्सी हेडक्वार्टर, रब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सिटी बोल रहा हूँ, यांग ने लहजा बदलते हुए लेकिन इंतहाई करक्त लहजे में कहा। ओ यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया था। एक स्विस औरत और तीन पाकिस्तानी अफराद थोड़ी देर पहले होटल स्काई व्यू से टैक्सी में बैठकर कहीं गए हैं, फौरन मालूम करके बताओ कि ये लोग कहाँ गए हैं। और सुनो, इट इज़ टॉप सीक्रेट, और अगर ये ग्रुप अभी तक किसी टैक्सी में सफ़र कर रहा हो तो इस ग्रुप को मालूम नहीं होना चाहिए। मुझे अलबत्ता इसका नंबर बता देना, अभी फ़ौरन ये काम करो, मैं 5 मिनट बाद फिर फ़ोन करूँगा, यांग ने उसी तरह तेज़ लहजे में कहा। जी बहुत बेहतर सर, मैं अभी मालूम कर लेता हूँ जनाब, टैक्सी हेडक्वार्टर से बोलने वाले ने जवाब दिया। और यांग ने रिसीवर रखा और एक तवील सांस लिया। उसे मालूम था कि बाचान में टैक्सी का बड़ा मरबूत निज़ाम कायम है और हर टैक्सी में न सिर्फ फ़ोन मौजूद है बल्कि उनका अपने हेडक्वार्टर से रब्ता भी कायम रहता है। उसने पुलिस कमिश्नर का नाम इसलिए लिया था कि उसे मालूम था कि अब टैक्सी हेडक्वार्टर वाला मखसूस कोड में ड्राइवर से बात करेगा। ये कोड खसूस पुलिस इन्फॉर्मेशन के लिए तैयार किया गया था।
ताकि मुसाफिर को इल्म ना हो सके और मशकूक आदमियों को पुलिस फौरन चेक कर सके। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद उसने दोबारा फ़ोन किया तो टैक्सी हेडक्वार्टर से बोलने वाले की आवाज़ सुनाई दी। यांग ने जैसे ही पुलिस कमिश्नर वाला तारुफ दोहराया, वो टैक्सी ड्राइवर फौरन ही बोल पड़ा, जनाब मैंने मालूम कर लिया है, स्काई व्यू से एक स्विस औरत, एक एक्रीमी मर्द और 4 पाकिस्तानी मर्द 2 टैक्सियों में बैठकर पहले होटल शंघाई गए। उनमें से एक आदमी उतरकर होटल शंघाई में गया और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वो एक ब्रीफ केस उठाकर वापस आया। इस दौरान टैक्सियां इंगेज रखी गई। इसके बाद वो टैक्सियां साहिल के करीब वाक़ चौशान क्लब ले जाई गई और वहाँ टैक्सियां छोड़ दी गई। जनाब दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया गया, ठीक है शुक्रिया, यांग ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, आखिरकार उसने उन्हें ढूंढ ही निकाला था। उसने सोचा कि अब कोमो को इत्तला कर दी जाए, क्योंकि उसे यकीन था कि कोमो 10 बार भी पैदा हो जाए तो इसका सुराग ना लगा सकेंगी। चुनांचे उसने एक बार फिर रिसीवर उठाया ही था कि कुछ सोचकर रिसीवर रख दिया और मेज़ की दराज खोलकर एक जदीद किस्म का ट्रांसमीटर निकाल लिया।